Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling stars look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. आपको ये बताना है मून को देख के. Look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. आपको ये बताना है टुडेज डेट, आज का डेट लिखना है, उस दिन मून कैसा था. फिर डेट आफ्टर अ वीक के बाद वो मून कैसा दिखता है, और आफ्टर 15 डेज के बाद वो मून कैसा दिखता है, उसका पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. फाइंड आउट वेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून, एट वॉट टाइम विल बी द मून राइज ऑन दिस डे, वॉट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, ड्रॉ इट. आपको ये बताना है अगर वो फुल मून होगा तो वो कैसा दिखता है, वो आपको ड्रॉ करना है. व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं मून के रिलेटेड, जैसे होली होता है जो फुल मून में होता है, और दूसरा कौन सा फेस्टिवल है वो आपको बताना है. एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स. आपको देखना है नाइट में स्काई में 5 मिनट्स तक. वॉट कुड यू सी, डिड यू सी एनी थिंग मूविंग इन द स्काई, वॉट डू यू थिंक इट कुड बी, अ स्टार और अ शूटिंग स्टार और अ सैटेलाइट. फाइंड आउट मोर अबाउट दिस. आपने स्काई में देखा होगा दूसरी चीज़ें भी मूव करते हुए, जैसे सन है. स्काई में कौन कौन सी चीज़ें होती है, सन होता है, मून होता है, सारी चीज़ें होती है, स्टार्स होते हैं, तो वो सब देखना है आपको. सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट किसको बोलते हैं, सैटेलाइट आर यूज फॉर द टीवी टेलीफोन्स और द एंड फॉर वेदर रिपोर्ट्स, ये सारे चीज़ें के लिए सैटेलाइट होता है. नाउ नेक्स्ट आपको टेबल देखना है और बताना है. गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेज एंड सेट्स इन दिल्ली. डेट टाइम ऑफ मून राइज, टाइम ऑफ मून सेट, ये टाइम है. ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट -minutes past -0:00. 28 अक्टूबर को मून जो है कितने बजे आता है वो लिखना है, और कितने बजे पास्ट होता है वो लिखना है आपको. 29 को भी सेम क्वेश्चन है. देन आफ्टर ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. उसके बाद आपको बोला है इफ़ यू सो द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो, कि आपने मून को 7 बजे देखा है तो आप दूसरे दिन भी सेम टाइम पर देखोगे. ऑन 31 अक्टूबर द टाइम of setting of moon is given as 12 o'clock 3 minute. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? आपको moon जो है वो सुबह क्यों नहीं दिखता, और stars जो है वो दिन में क्यों नहीं दिखते. द पोइट इज ऑल्सो, मून जो है वो दिन में नहीं दिखता बिकॉज ऑफ सनलाइट की वजह से हमको नहीं दिखता, और स्टार्स जो है वो रात को ही दिखते हैं, सुबह नहीं दिखते बिकॉज ऑफ सनलाइट. सनलाइट नहीं होती रात को, इसके लिए हमको रात को मून एंड स्टार्स दिखता है. यहाँ पे छोटी सी पोएम दी गई है, और एक फ़ोटो दी गई है, वो फ़ोटो कहाँ पे खींची हुई है, मून से खींची हुई है. तो अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून. सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, कैन यू सी द सर्फेस ऑफ द मून. डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर
looking at this picture, write down those questions and discuss them in the class. ये अर्थ से खींची गई फ़ोटो है और देखना है कि अर्थ से खींची गई फ़ोटो कैसी दिखती है. आधा पार्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, इसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है आधा पार्ट. यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है सुनीता विलियम्स के बारे में. सुनीता विलियम्स जब 5 ईयर्स की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग की पिक्चर देखी थी. नील आर्मस्ट्रांग लैंडिंग ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, लैंड किया था मून पे इन 1969. नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, फर्स्ट मैन थे जो चल के गए थे मून पे. लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता वाज आल्सो फैसिनेटेड. सुनीता सेज दैट व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग. उनको क्या पसंद था, स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग पसंद था. उनको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर. उनको क्या बनना था, डाइवर बनना था जो पानी में डुबकियाँ लगाता है. बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट. वो क्या बनी बाद में, हेलीकॉप्टर के पायलट बनी. वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ शी स्टडीज एंड ट्रेंड फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन. उनको पता चला कि वो अगर आगे स्टडी करेंगे तो वो उनको कहाँ ज्वाइन होने को मिलेगा, स्पेस मिशन में. एंड दैट इट वॉज शी डिड इन 2007. सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वूमन. उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया लॉन्गेस्ट स्पेस का बाय अ वूमन. सुनीता ऑफ्टन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन, इफ यू वॉन्ट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. आपको कभी भी कोई चीज़ और चीज़ में अगर जाने के लिए चांस मिलता है तो उसमें गिव अप नहीं करना है. आप वहाँ पर जो है वो अपना बेस्ट देना है और ट्राई करते रहना है, गिव अप नहीं करना है. वैन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड वॉट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर, शी आंसर्ड आई वॉन्ट टू become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. वो क्या बता, कोई children से पूछते हैं कि उनको future में क्या बनना है तो उन्होंने answer दिया कि मुझे school teacher बनना है. बाद में सुनीता विलियम्स जो है वो उनको समझाते हैं कि science और maths जो है वो अपनी life के लिए कितना important है. okay, summary is over. thank you.